श्रावण के महीने में सारे व्रत आते हैं बहुत सुंदर सुंदर। छोटी तीज का व्रत भी अभी आ जाता है, बड़ी तीज का व्रत भी आ जाता है। दुबे जी, छोटी तीज भी आएगी, बड़ी तीज भी आएगी, और अच्छे से अच्छे व्रतों का क्रम रामकिशोर जी बीच बीच में श्रावण भादो कुमार कार्तिक में आते रहे। ये चार महीना जो व्रत आते हैं, इन व्रतों की मूलता क्यों कही गई है? ये सारे व्रत चतुर्मास के अंतर्गत ही आते हैं, इन व्रत को बाद में भी आ जाना चाहिए, पर नहीं। मूल मूल जो व्रत हैं, पूजन है, अनुष्ठान है, देवी देवताओं के जो पूजन के भाव बताए, कोई चतुर्मास में बताए। इसका कारण क्या है? क्यों चतुर्मास के व्रत की महत्वता होती है? तो कहा इस चातुर्मास के अंतर्गत स्त्री नारी जो व्रत धारण करती है, हाथों में चूड़ा पहनना, पांव में पायल पहनना, महाबूर लगाना, मेहंदी लगाना, ये जितने छोटी तीज बड़ी तीज और अन्य तीजों आएंगे, त्योहार आएंगे चतुर्मास में, माताएं हरतालिका तीज हुई, छोटी तीज बड़ी तीज हुई, भादो के कोई व्रत हुए, अनुष्ठान हुए, छठ हुई, पूजन, जो भी माताएं पूजन करेंगी उसके अनुसार वो हाथों में शरीर पर 16 श्रृंगार धारण करती हैं, बहुत सारे श्रृंगार धारण करती हैं, और श्रृंगार धारण करने के साथ साथ माताएं अखंड सौभाग्य की वस्तुएं भी इन तीस त्योहार पर दान करती हैं। जो अखंड सौभाग्य की सूचक, जो अखंड सौभाग्य की वस्तुएं वो देने का प्रयास करते दान। क्यों जीजी, एक बात बताओ, जितने भी माताएं कथा सुन रही हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, श्रावण के महीने की श्रावण शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, एक बात दिल से बताना, जितनी सौभाग्यवती माताएं होती हैं, ये संक्रांति पर भी 13 चीजें दान करती हैं, 14 चीजें दान करती हैं, बीच में कोई 16 सोमवार का उद्यापन करेंगी तो भी सुहाग की सामग्री देंगी, उद्यापन करेंगी तो भी सुहाग की सामग्री देंगी, कोई कार्य करेंगी तो भी सौभाग्य की सामग्री देंगी। सौभाग्य की सामग्री का दान क्यों किया जाए? सौभाग्य सूचक वस्तुओं का दान क्यों किया जाए? सौभाग्य की वस्तुएं क्यों प्रदान करी जाती है, क्यों दी जाती है, उसका कारण क्या है? क्यों देते हैं? महाराज, भारत की भूमि की सौभाग्यवती माताओं का एक मन की अभिलाषा रहती है, भारत की भूमि की माताओं की एक अभिलाषा रहती है कि जब उसके प्राण छूटे तो अखंड सौभाग्य धारण करके पति के कंधे पर और पुत्र के कंधे पर शमशान कर। ये भारत की भूमि की माताओं की सोच, उनके मन का संकल्प, उनके मन का भाव, और विदेश की माताओं का क्या संकल्प होता है? महाराज, भारत का एक संत विदेश गया, और भारत के संत जब विदेश गए तो वहां पर एक मां, एक स्त्री पति की कब्र के पास में बैठकर पंखा कर रही थी। भारत के संत को बड़ा दुख हुआ, देखो हमारे यहाँ की माताएं तो पति के साथ सती हो जाती हैं, हमारे भारत की भूमि की माताएं तो पति के साथ सती हो जाती हैं, पर ये तो विदेश की माताएं तो भारत की माता से भी बढ़कर है कि पति मर गया, कब्र के अंदर है तो भी पंखा कर रही हैं, ये तो इनसे भी बड़ी है, भारत की माता से भी बड़ी, ये विदेश की माता। तो भारत के संत से रहा नहीं गया, और भारत के संत ने जाकर पूछ लिया विदेश की माता से, माँ जी एक बात बताओ, हमारे यहाँ पति के साथ पत्नी सती हो जाती है, वो प्रथम गिनती में आती है,
पर तुम तो उससे भी बड़ी हो कि पति मर गया उसके बाद भी उसकी कब्र को पंखा कर रही हो। इतने में विदेश की माता ने कहा, मैं पति को पंखा नहीं कर रही हूं। हमारे यहाँ नियम है, जब तक पति की कब्र नहीं सूख जाए हम दूसरी शादी नहीं कर सकते, इसलिए पंखे से सुखा रहा। इसलिए पंखे से सुखा रही हूं। मेरे भारत की माताओं में और विदेश की माताओं में अंतर है सर। मेरे भारत की माताएं अखंड सौभाग्य की वस्तुएं धारण कर कर अपने आप को गौरवान्विता महसूस करती हैं, और विदेश की माताएं ये सब वस्तुएं उतार कर गौरवान्विता महसूस करती हैं। क्यों देते हैं चूड़ी का दान, क्यों देते हैं बिंदी का दान, क्यों देते हैं अखंड सौभाग्य का दान? किस महाराज, मेरे हाथों में भर भर के चूड़ी रहे, मेरे हाथों में भर भर के चूड़ी और मैया कोई काम ना, मेरे मस्तक पे चमकती चूनर रहे, मेरे मस्तक पे चमकती चूनर रहे और मैया कोई काम ना, मेरी मांगों में भर भर के सिंदूर रहे, मेरी मांगों में भर भर के सिंदूर रहे और मैया कोई काम नहीं, मेरे पाँव में बिछुड़ी का जोड़ा रहे, एक बिछुड़ी नहीं कितनी, दो तीन चार पांच, एक एक पांव में जोड़े से बिछुड़ी होना चाहिए, केवल एक नहीं सिंगल नहीं। वो तो आजकल का फैशन हो गया महाराज, जो केवल एक बिछुड़ी धारण कर लो उसी में फैशन दिखे। श्रावण की सुमहा पुराण की कथा कहती है, जब बेटी को विदा करा जाता है और पहली बार बेटी के पांव में जब बिछुड़ी डाली जाती है तो वो बिछुड़ी भी अलग अलग नहीं होती, उस बिछुड़ी के जोड़ को चेन से एक दूसरे से बंधा हुआ होता। बोला सही है कि गलत है? जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, सुन लेना कि मेरे भारत की माताओं का जब पाणी ग्रहण संस्कार किसी बेटी का होता है, उसके पांव में जब पहली बार बिछुड़ा पिनाया जाता है, बिछुड़ी पिनाई जाती है, तो वो बिछुड़ी भी एक दूसरे से बंधी हुई होती है, चेन से बंधी हुई होती है। उसको अलग अलग वाली बिछुड़ी शादी के मंडप में नहीं पिनाई जाती। क्यों? जैसे ये बिछुड़ी एक दूसरे से पांव में बंधी हुई है, तुम्हारी जिंदगी अंतिम श्वास तक ऐसी ही बंधी की बंधी हुई है, यही बंधन है। वो तो अब माताओं ने थोड़ा सा फैशन चेंज कर दिया, अब पांव में ज्यादा बिछुड़ी नहीं पिनती, गड़ती है, चुभती है, एक बिछुड़ी धारण मारा पर नहीं। बिछुड़ी भी दो हो जोड़े से, हमारी माताएं भारत की भूमि की जो माताएं हैं, ये चूड़ी भी हाथ में पहनती है तो जोड़े से पहनती है। बोलो जैसा सही है कि गलत है? एक अकेली चूड़ी माताएं हाथ में धारण नहीं करती हैं। अगर भारत की भूमि की संस्कारित माताएं हैं और भारत की भूमि की सभ्यता और संस्कृति को जानती है तो अकेली चूड़ी नहीं, जोड़े की चूड़ी पहनेगी, दो चूड़ा डालेगी, चार डालेगी, बारह डालेगी, पर सिंगल नहीं, अकेली।
और सरल भाषा में समझ लो, हमारे यहाँ ठेले पर लेने जाओ तो जो केले अपन खाते हैं वो भी सिंगल नहीं देते, उसको भी जोड़े से दिया जाता है। दो दो की, बारह दो की, आधी दर्जन दो की, एक दर्जन दो। अब अंदाजा लगाइए, हमारे यहाँ देने का भी एक भाव है। श्रावण के महीने की शिव महापुराण की कथा, जिसका नाम है श्रावण शिव महापुराण की कथा, ये कहती है कि पार्वती जी ने और गंगा जी ने ये चतुर्मास में जितना सौभाग्य का दान दिया है, उनके बराबर दुनिया का कोई व्यक्ति इतना सौभाग्य का दान नहीं दे सकता जो माता गंगा और पार्वती दोनों दान दे। प्रतिदिन दे रहे और अब तो फैशन आ गया, तुम लोगों जो सौभाग्य का दान देते हो प्लास्टिक की डलिया में देते हो, पर एक एक पुराण को उठा कर देख लेना, एक एक उद्यापन को उठा कर देख लेना, जितनी तुम कथा तुम्हारे घर में छोटी छोटी कथाओं की पोथियां पड़ी हो उनको उठा कर देख लेना, उसमें नहीं लिखा कि प्लास्टिक की डलिया में सौभाग्य की वस्तु का दान दिया जाता है, उसमें लिखा है बांस की पिटारी में, बांस की डलिया में सौभाग्य की वस्तुओं का दान दिया गया। क्यों? क्योंकि बांस वंश की वृद्धि करता है, बांस सौभाग्य की वृद्धि करता है, और बांस अखंड सौभाग्य, जैसे बांस का पौधा बढ़ते चले जाता है, बढ़ते चले जाता है, उसी तरह बांस की डलिया में जब दान दिया जाता है, बांस की टोकनी में जब दान दिया जाता है, तो ये भाव रखा जाता है कि तुम्हारा सौभाग्य ऐसे ही बढ़ता रहे। पर अब थोड़ा सा फैशन चेंज हो गया तो प्लास्टिक की डलिया, पर प्लास्टिक की नहीं। महाराज शिव तत्व की ओर चल चल, शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया गंगा मैया और पार्वती मैया चतुर्मास के अंतर्गत जो त्योहार पड़ता है, चतुर्मास के अंतर्गत जो व्रत पड़ते हैं, ये किसी दूसरे के नहीं है। तीज का व्रत माता पार्वती का, छठ का व्रत माता पार्वती का, चतुर्थी का व्रत माता पार्वती का, ये सारे व्रतों की शुरुआत गंगा और पार्वती ने अपने बल से। बोलो हर हर महादेव, ये अपने बल से, अपने बल से। एक बार बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर बोले ना, नंदी को लेकर निकले, और नंदी को लेकर जब भोलेनाथ जी चले बीच मार्ग में, जिस चंचुला देवी का पति बिंदुक के प्राण छूटे थे, और जो चंचुला देवी माता पार्वती की सेवा में लगी हुई थी, वो चंचुला देवी का दर्शन भगवान शंकर को और शंकर भगवान का दर्शन चंचुला देवी को। अब देखिएगा जरा कथा पर विशेष ध्यान रखना, श्रावण महीने की शिव महापुराण की कथा कह रही है कि नारी का अखंड सौभाग्य कैसे रह सकता है। अपने घर के बच्चों को, अपने घर की बेटियों को, बेटों को, अपने घर की बहुओं को, अपने परिवार को कैसे एकजुट कर एक साधना में रखा जा सकता है, वो शिव महापुराण। महाराज बीच में चंचुला देवी दिखी, नंदी पर बैठे बाबा भोलेनाथ, चल चल चल
और आराम से देवाधिदेव महादेव जा रहे थे, नंदी अलमस्त होकर चल रहे थे, हाथ में बाबा के त्रिशूल त्रिपुंड मस्तक पर भस्म रमाए हुए, जटा जूट बांधे हुए, मस्तक पर सुंदर चंद्रमा है और गंगा की धार बहते बहते देवाधिदेव महादेव चंचुला के सामने आ गए। चंचुला वो जिसका पति बिंदु प्रेत योनि में पड़ा हुआ था और बेदब्य था, उस चंचुला ने धारण कर रखी थी, उसका पति जीवित नहीं था। हाथ जोड़े चंचुला देवी, और निवेदन करा महाराज, शंकर भगवान की पुराण तुम्हारे सम्मुख में है, भले आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे एक वरिष्ठ बाबा की पावन धरा पर ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर, जहां बैठकर सुन रहे हो वहां दिल से बाबा से अपने मन की बात इस मंत्र को बोलने के बाद अवश्य कह देना चाहिए, उससे विनती अवश्य करना चाहिए। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, दिल से कहो हम तेरे भरोसे पर कथा सुन रहे हैं, हम तेरे सहारे सुन रहे हैं और तुझे साधना, और ये साधता भी वही है, कोई दूसरा नहीं साध सकता महाराज। तलवार के घाव को सुई पर निकाल देता है वो मेरा शंकर ही हो सकता है, इसके सिवाय कोई दूसरा नहीं। तलवार के घाव को अगर सुई पर निकाल रहा है तो वो शिव है। जो हादसा हुआ पूर्णिमा पर वो अगर दिन में होता तो ये तलवार का घाव जैसा नहीं होता, पर निकाल दिया सुई के घाव पर, सुई पर, ये शिव है कोई दूसरा नहीं, ये शंकर है कोई दूसरा नहीं, वो कुबेरेश्वर महादेव साधारण नहीं हो सकता। भक्ति अविरल हो, चारों तरफ लोगों ने कह दिया, कोई कहे 50 चले गए, कोई के 20 चले गए, कोई के 40 चले गए, कोई के ऐसा हो गया, कोई कहे वैसा हो गया, पर प्रकृति के आगे कुछ नहीं। कब कोरोना महामारी आकर चली जाती है, कब हवा तूफान आकर चले जाता है, किसी को नहीं। ये तो शिव है जो सादा चंचुला, आपने मेरा मार्ग क्यों रोक दिया, भगवान देवाधिदेव महादेव ने पूछा। आपने मेरा मार्ग क्यों रोका है, इस मार्ग को रुकने का कारण क्या है, किस लिए रोका है। चंचुला देवी की आंख में जल भरा हुआ था, मैं बेदब्य हो गई हूं। चंचुला देवी कहती हैं, मेरे पति के धाम को मुझे वापस जाना है, जिस लोक में मेरा पति रहता है मुझे उस लोक में जाना है। शंकर भगवान ने एक बात बड़ी सुंदर कही चंचुला देवी को, आपको मालूम है,
चंचुला, देवता भी बैकुंठ में बैठकर सुखी नहीं है। देवता कहते हैं कि मेरे भोले के पास कैलाश धाम पर मुझे जाना है और मेरे शंकर के पास मुझे रहना है, और तुम कहती हो कि प्राण त्यागने के बाद मुझे पति के धाम को जाना है। चंचुला जी कहती हैं, प्रभु मैंने भी कोई ऐसा पुण्य का कार्य तो नहीं करा कि मैं बैकुंठ जाऊं, तो इससे अच्छा है मेरा पति जो चोरी करता था, छल करता था, बेईमानी करता था, कपट करता था, प्रपंच करता था, और वो जिस जिस जगह पर है, बोले वो नरक में है, कहां है, मैं तो उसके पास में जाना चाहता। शंकर भगवान ने कहा कि चंचुला तुम मृत्यु लोक में आई हो और पृथ्वी पर आने पर तुम्हारा पति प्रेत योनि में पड़ चुका है, तो क्या तुम प्रेत योनि में जाना पसंद करोगे? ध्यान देना रे भाई, अगर कोई भूत बन गया, प्रेत बन गया, तो तुम भी भूत प्रेत बनना पसंद करोगे क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं ना। तुम क्या करना पसंद करोगे कि अगर कोई भूल से भी भूत बन गया है, प्रेत बन गया है, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर बिंदु का प्रेत योनि में चला गया है, तो तुम्हारा फर्ज है अगर परिवार का कोई सदस्य अगर प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, तो उस प्रेत योनि से मुक्त कराकर परमात्मा के चरणों में जाकर रख देना, ये परिवार के सदस्य का कर्तव्य बनता है। इसलिए चंचुला देवी, तुम्हारा पति प्रेत योनि में है, तुम प्रेत योनि में जाने का विचार मत करो। चंचुला देवी, तुम तो एक काम करो कि वो पति प्रेत योनि से छूट जाए, उसके लिए क्या करा जाए वो विचार करा जाए। जैसे श्रीमद् भागवत कथा में आता है, आत्मदेव नाम का ब्राह्मण जिसके घर में संतान नहीं, पुत्र हुआ, धुंधकारी नाम रखा सखी के घर से लेकर, धुंधकारी के प्राण छूटे, प्रेत योनि में चले गया। गौकर्ण ने, गौकर्ण को मालूम पड़ा कि मेरा भाई प्रेत योनि में पहुंच गया है, तो गौकर्ण ने तर्पण आदि क्रिया करना प्रारंभ करी, भजन करना प्रारंभ करा, कीर्तन करना प्रारंभ करा, स्मरण करना प्रारंभ करा, मंत्र जाप करना प्रारंभ करा, और गौकर्ण ने उस मंत्र जाप के बल पर, उस भागवत कथा के बल पर, भगवान के बल पर, भगवत भजन के बल पर अपने भाई को प्रेत योनि से मुक्त करा दिया। एक बात आपको पहले भी कथा में कही है, आज फिर कर रहा है। शिव महापुराण की कथा सुनकर जो जहां से निकल कर जाता है, उस जगह पर जितनी जीवात्माएं कहीं एक्सीडेंट में, कहीं गर्भ में, कहीं कैसे ना कैसे शांत हो जाती हैं, वो जीवात्माओं पर हमारे शरीर की तरंग जब लगती है, जो कथा सुनकर जाता है उसके शरीर की मात्र जो हवा लगती है, छूकर जाने वाली हवा, उसके द्वारा भी कोई प्रेत योनि में पड़ा हुआ होता है, तो उसको मुक्ति हो जाती है, ऐसी शिव महापुराण, उसका भी मोक्ष हो जाता है। इसलिए ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर उज्जैनी में लिखा हुआ है कि शिव महापुराण एक पीढ़ी को या सात पीढ़ी को नहीं तारती, शिव महापुराण की कथा 71 पीढ़ी को तार देती है, वो शंकर की पावन कथा है। ये सातर नहीं, शिव महापुराण की कथा सुनकर जाते 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 जिस मार्ग में जितने जीव है उनका कल्याण। इतना तो करना स्वामी जब प्राण से मरना निश्चित है, प्राण छूटेंगे ये निश्चित है, कब छूटेंगे ये पक्का पता नहीं, किसकी कितनी उम्र है ये मालूम नहीं है। तो एक काम तो कर सकते हैं, भगवान से प्रार्थना तो कर सकते हैं कि बाबा
ऐसी कृपा करना, ऐसी दया करना, मेरी ऐसी बुद्धि करना कि तेरा भजन करते हुए, तेरा दर्शन करते हुए, तेरा कीर्तन करते हुए, तेरा मंत्र जाप करते हुए मेरे प्राण छूट जाए। इतना तो करना स्वामी जब गोविंद नाम लेकर जब प्राण से निकले। भगवान से इतनी प्रार्थना जरूर करना कि तेरे भजन करते करते, तेरा स्मरण करते करते, तेरा मंत्र जाप करते करते, तेरा कीर्तन करते करते, तेरी कथा श्रवण करते करते, दान पुण्य सत्कर्म करते करते, तीर्थ आदि करते करते, गंगा का स्नान, यमुना का स्नान, सरयू का स्नान करते करते, सारी पुरियों का स्नान करते, पूजन करते करते मेरे प्राण तेज में समा जाए, इससे बढ़कर कोई सुख जीवन का नहीं हो सकता, इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं हो सकता। पलंग के मत पटक जाते भोलेनाथ, कोई शरीर में ऐसा रोग मत दे देना कि बार 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 शरीर को फाड़ा जा रहा है, काटा जा रहा है, बार बार ये निकालो जांच के लिए मुंबई पहुंचाओ, ये निकालो जांच के लिए दिल्ली पहुंचाओ, ये निकालो जांच के लिए पूना पहुंचाओ, जांच के लिए चेन्नई पहुंचाओ, ऐसा शरीर मत कर देना कि शरीर को काट 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 और पलंग पर पड़ा हुआ है, सड़ रहा है और जा नहीं रहा। बाबा इतनी कृपा कर देना, पलंग पर मत पटकना, चलते फिरते तेरा भजन करते करते तेरे धाम को चली जाऊं, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं होगा, तेरे धाम को चली जाऊं इससे बड़ा जाना निश्चित, पर तेरे भजन के बल। महाराज चंचुला देवी से भगवान शंकर कह रहे हैं कि तुम कहती हो कि मेरे प्राण छूट कर मैं पति लोक में जाऊं, जहां पर मेरा पति रह रहा है, फिर ध्यान दो इसको और सरल तरीके से समझ लो। पति मदिरा की दुकान पर बैठ रहा है और पत्नी अपनी सास से कह दे मैं तो वही रहूंगी जहां मेरा पति रह गया है, जम के तो बोलो जरा, जहां मेरा पति रह रहा मैं तुम्हारा रहूंगा। पति मदिरा की दुकान पर बैठा है, मदिरा का नशा कर रहा है, तो क्या पत्नी वहां जाकर नशा करेगी? अरे बोलो जम के नहीं। शिव महापुराण का यह संवाद याद रखना, शंकर भगवान चंचुला देवी से कह रहे हैं पति के लोक नहीं, पति अगर प्रेत योनि में पड़ा है तो उस योनि से छुड़ाकर शिव लोक में पति को लेकर आ और खुद भी शंकर की शरणागति ग्रहण कर ले। पत्नी धर्म पत्नी वो होती, धर्म पत्नी वो होती। नहीं, तुम अगर मदिरा की दुकान पर बैठोगे तो मैं भी बैठ बैठ, तुम जुआ खेलोगे तो मैं भी खेलूंगी, तुम वैश्यावृत्ति करोगे तो मैं भी करूंगा। ये धर्म पत्नी का तरीका नहीं है। धर्म पत्नी का तरीका है कि पति अगर मदिरा की दुकान पर बैठा है तो तू कुछ ऐसा कर्म कर जिसके बल पर तेरा पति मदिरा की दुकान छोड़ दे, वो अलग, मदिरा पीना ही छोड़ दे, वहां से छुड़ाकर अच्छे कर्म की ओर ले। ये
दुबे जी भी बैठे हैं कथा में और ये बोरबन जी भी बैठे होंगे महाराज, और ये सत्यता की बात कर रहे हैं हम दुबे जी को भी और रामकिशोर जी। तुमसे ज्यादा कथा करवाने का भाव तुम्हारी धर्म पत्नियों ने ही प्रेरित करा होगा, ये निश्चित है। भाव से, क्योंकि पति को सतमार्ग तक लेकर जाना, पति को सतमार्ग की ओर प्रेरित करना, और आज भी कमी नहीं है। सावन का महीना चल रहा है, आज भी जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, मेरा विश्वास कहता है कि घर की माताएं, घर की धर्म पत्नियां अपने पति से एक बार तो कहती होंगी, सुनो जी सावन का महीना चल रहा है, आज अपनी छुट्टी है, एक काम करते हैं, दो लोटा पानी लेते हैं और ले जाकर समर्पित कर देते हैं। सुनो आज छुट्टी है, एक बेलपत्र बाबा को चढ़ा देते हैं। आज छुट्टी है, एक काम करते हैं, हो सकता है सोमवार के दिन हमको ऑफिस जाना पड़े, हो सकता है सोमवार के दिन हमारा वर्किंग डे रहे, इसलिए काम करते हैं, रविवार आ रहा है, शनिवार आ रहा है, कोई छुट्टी का दिन आ रहा है, अपन एक काम करते हैं, शंकर का अभिषेक करवा लेते हैं, किसी ब्राह्मण को घर में बुलाए, शिव जी का अनुष्ठान करवा ले, शंकर का अभिषेक करवा ले, पूजन करवा लेते हैं, एक काम करते हैं, चलो अपन शिव के धाम चलते हैं। ये धर्म पत्नी अपने पति को प्रेरणा देकर कहीं ना कहीं सतमार्ग की ओर जोड़ देती है, उसको धर्म पत्नी कहते हैं। वो तो कहीं कहीं की ऐसी जगदम्बा होती है, पति अगर गलत भी करता है ना तो वो कभी नहीं कहती कि तुमने गलत काम कर कर रहा है, क्योंकि वो सोचती नहीं है ना, वो तो अच्छा है, मेरे माता पिता ने शादी कर दी तुम्हारे साथ, तुम मदिरा की दुकान पर बैठ रहे हो कि वैश्यावृत्ति कर रहे हो कि मांसाहार कर रहे हो कि क्या कर रहे हो, उसको कोई मतलब नहीं, वो तो लगी उसे कोई मतलब नहीं कि ये कहाँ जा रहा है कि क्या कर रहा है, पर जो जो दिल से चाहता है धर्म पत्नी, अगर पति को हृदय से, उसका नाम ही धर्म पत्नी है, हमने हमने पत्नी नहीं बोला, हम धर्म पत्नी कर, धर्म पत्नी होगी, पति अगर गलत कर रहा होगा तो उसको मार्ग से खींच कर ले कर। अब देखिए कितना सुंदर संवाद, चौसर खेल रहे थे पांडव चौसर खेल रहे थे, द्रौपदी से पूछा गया क्यों द्रौपदी तुम्हारे पति जुआ खेल रहे थे और तुमने उसको मार्ग नहीं दिखाया, सतमार्ग नहीं बताया, तुम धर्म पत्नी हो द्रौपदी, सतियों की गिनती में आता है तुम्हारा नाम, और तुम तुम्हारे पतियों को गलत मार्ग से निकाल कर नहीं लाई। द्रौपदी कहने लगी मुझे तो मालूम ही नहीं था, पहली बात तो ये कि मैं अंदर केश सुलझा रही थी, जब मेरे केश पकड़ कर खींच कर लाया गया और भरी सभा में लाकर खड़ा करा गया, तब मुझे मालूम पड़ा कि मेरे पति चौसर खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, और मैंने हाथ जोड़ कर निवेदन करा तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ये क्या कर रहे हो, आज भी नियम है महाराज, कोई मदिरा पान में डूबा है, कोई वेश्यावृत्ति में डूबा है, कोई मांसाहार में डूबा है, कोई गलत काम में जुए आदि में डूबा हुआ है, तुम छुड़ा छुड़ा कर रह गए कि मत जा मत कर, तुम छुड़ा छुड़ा कर रह गए, तो शिव महापुराण का एक बड़ा सुंदर भाव वर्णन करा गया हमारा, बड़ा सुंदर भाव महाराज। शमी के पांच पत्ते, बेलपत्री के पांच पत्ते, बेर के पांच पत्ते, क्या क्या चीज है जरा जम के बोलो, शमी के पांच पत्ते, बेर के पांच पत्ते और बेलपत्री के पांच पत्ते। महाराज श्रावण महीने की दोनों अष्टमियों में से कोई भी अष्टमी, ये भी जरूरी नहीं है कि सोमवार की ही अष्टमी थी, श्रावण महीने की दोनों अष्टमियों में से कोई भी अष्टमी को बेर के पत्ते पर लाल चंदन, बेलपत्री के पत्ते पर पीला चंदन,
शमी के पत्र पर केवल कोई चंदन लगाने की जरूरत नहीं, सादा केवल एकदम कुछ भी उसमें लगाकर नहीं, सिंपल। पहले लाल चंदन वाले पत्ते, फिर बेलपत्री के पत्ते, फिर शमी के पत्र, शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर उसको उठाकर वापस लाकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही एक लोटा जल समर्पित कर पहले पत्ते चढ़ा देंगे, फिर लोटा भर जल समर्पित कर देंगे। उसी चढ़े हुए पत्तों में से पांचों बेलपत्र को लेकर अपने घर आ जाए। और अवधूतेश्वर महादेव, कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव। ये अवधूतेश्वर महादेव कौन से हैं? आपको कथा में कई बार वर्णन करा गया है। शंकर भगवान को क्रोध आया, ब्रह्मा जी ने क्रोध को लिया, समुद्र में डाला। उस रूप को क्रोध का एक रूप था, क्योंकि जो मदिरा पान करने वाले होते हैं, व्यसन करने वाले होते हैं, गलत काम करने वाले होते हैं, इनको सुधार सुधार कर जा, जितना तुम समझाओगे ये उतना बबूला होंगे। तुम बच्चों से कहोगे गलत लड़के के साथ रह रहा मत रहे, तो और ज्यादा क्रोध करेगा, और चिड़चिड़ करेगा, और अपशब्द कहेगा। तो ये क्रोध को सही कर अवधूतेश्वर महादेव, अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण कर पांचों पत्तों को लेकर आइए। कुछ समय बाद जैसा जैसा समय की अनुकूलता मिले, आप किसी मदिरा का पान करने वाले या किसी व्यक्ति को वो पत्ते दोगे या प्रसाद के रूप में दो तो अच्छी बात है, नहीं तो उस पत्ते का थोड़ा थोड़ा भाग भी प्रतिदिन मात्र 21 दिन तक अगर थोड़ा थोड़ा भाग भी दे दिया जाए तो धीरे 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 मदिरा पान, व्यसन, गलत आदतें छूटना प्रारंभ हो जाती है और वो शंकर की शरणागति ग्रहण करते हैं। महाराज शिव अर्चना, ये तो अभी अभी लोगों की थोड़ी सी सोच गलत हो गई। ये दुनिया के लोगों को ये तो मालूम नहीं है भगवान शंकर के लिए। हाँ, शंकर भगवान के पास में भांग रहती है, शंकर भगवान के पास में भांग रखी हुई होती है, शंकर भगवान का भांग का श्रृंगार होता है, क्योंकि उसको बूटी के रूप में, औषधि के रूप में लिया जाए। पर कोई कहे कि शंकर भगवान भांग का नशा करते हैं, तो ये संसार के लोगों को समझा देना कि शिव भांग का नशा। मेरा भोलेनाथ भांग का नशा नहीं है, शिव नशा। महाराज शिव भांग का नशा, शंकर ओ घड़ी, मेरा भोलेनाथ ओ घड़ दानी, और मेरा शिव जब ओ घड़ी, मेरा शंकर जब भोलेनाथ ओ घड़ी, जितनी वस्तुओं को धारण करता है ये सब औषधि के रूप में प्रयोग में है, सब औषधि। कथा कहती है यदि गलत मार्ग पर पति गया है तो उसको सत मार्ग पर लेकर आ। सत मार्ग की ओर लाने का प्रयास कर। चंचुला देवी, आपका पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है और आप कहती हो कि प्रेत योनि में मुझे जाना है, पति के लोक में मुझे जाना, ये श्रेष्ठ नहीं? गलत मार्ग पर कोई चला गया है तो उसको सत मार्ग पर खींच कर लाने का काम किसका है? जम के बोलो जरा। धर्म पत्नी का है कि अगर पति गलत मार्ग पर चले गया तो उसको खींच कर लिया। यदि पति गलत काम कर रहा है और पत्नी सोचे कि अब तो मैं भी गलत काम करूंगी तो इसमें श्रेष्ठता नहीं, उसमें श्रेष्ठता नहीं होना चाहिए।
अब मेरे उघड़दानी मेरे भोलेनाथ ने कहा, चंचुला तुम्हारा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, केवल एक धर्म पत्नी ऐसी होती है जो पति को प्रेत योनि से भी छुड़वा सकती है। श्रावण शिव महापुराण की कथा बड़े ध्यान से सुनना मेरी जीजियों, स्मरण करिएगा जरा कि धर्म पत्नी में वो बल होता है कि पति को प्रेत योनि से भी छुड़ाकर बाहर कर सकती है धर्म पत्नी। धर्म अब चंचुला देवी ने पूछा, मैं क्या करूं? शंभु शरणे पड़ी मां घड़ी दुख तारो, दया करी निदर्श आओ। चंचुला देवी पूछ रही है कि मुझे करना क्या है, पति को प्रेत योनि से कैसे मुक्त किया जा सकता है। ध्यान से सुनना रे भाई, कई लोग कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष आ गया, ये कर लेना चाहिए तो प्रेत योनि से मुक्ति हो जाएगी, पितरों की शांति के लिए ये कर लेना चाहिए तो पितर मुक्त हो जाएंगे। पहले तो एक बात अच्छे से समझ लो, पितर मुक्त नहीं होते, उनकी शांति होती है। क्या होती है? जम के बोलो जरा, उनकी शांति होती है। जब आप किसी तीर्थ में स्नान कर रहे हो, जब आप किसी तीर्थ में हो, स्नान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, तो उसका एक अंश, एक भाग हमारे पूर्वजों के खाते में, हमारे पितरों के खाते में जाता है, उनके खाते में पहुंचता है, ये निश्चित। आपने किसी ब्राह्मण को भोजन कराया, भले आपने पितरों के निमित्त नहीं जिमाया, कोई ब्राह्मण को एक गिलास पानी पिलाया, भले आपने पितरों के निमित्त नहीं पिलाया, पर आपका एक अंश उसके खाते में चला जाए, उससे क्या होगा? पितरों की शांति। और समझ लो, गया जी में पिंडदान कर देने से क्या पितर मुक्त हो जाते हैं? बद्रीनाथ जाकर कपाल क्रिया करने से क्या पितर मुक्त हो जाते हैं? भाई गया जी जाना तो वहां के पंडा जी से पूछना, हम यहां पिंडदान कर देंगे तो क्या वो मुक्त हो गए? पंडा जी कहेंगे, आप अपने पूर्वजों को गया का पिंड देकर, उनका पिंडदान कर कर आप उनको भगवान विष्णु के चरणारविंद में छोड़ गए, पर आप घर जाना तो घर पर जब जब श्राद्ध पक्ष आए तब ब्राह्मण को भोजन जरूर कर, भले तुम भूख मत देना, कौवे का मत निकालना, पर एक काम जरूर करना कि ब्राह्मण भोज कराना। उससे क्या होगा? 16 श्राद्ध में जब हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों को पितृ लोक से छोड़ा जाता है, तो वो सबसे पहले जिस घर में रहे होते हैं
जहाँ उनका पिंड घर में दिया होता है, जहाँ रहे होते हैं, सबसे पहले वो वहां आते हैं। सबसे पहले वहां आए, और अगर तुमने उनकी तिथि पर, उनके वार पर अगर आपने भोजन करा दिया है, तो उनकी मुक्तता नहीं, उनकी शांति हो जाती है। पितरों की मुक्ति कैसे, उनकी मुक्तता कैसे, प्रेत योनि की मुक्तता कैसे, तो कहा जैसे भगवान का नाम लेने वाला व्यक्ति दूसरा जन्म नहीं पाता, उसी तरह भगवान का जो भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, या शिव महापुराण की कथा, राम कथा, भागवत कथा, विष्णु पुराण आदि आदि जितनी भी पुराण हम श्रवण करते हैं, हमारे श्रवण करने का एक भाग हमारे पितरों के खाते में जाता है, तो उस कथा के फल से उनकी मुक्ति हो जाती है, उनकी कथा के फल से मुक्तता। प्रेत योनि से मुक्त हो गया धुंधकारी, बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हो गया, काय से हुआ, शंकर का स्मरण, शिव महापुराण की कथा का रस तत्व ग्रहण कर, राम कथा भागवत कथा का मात्र स्मरण कर, उससे मुक्त। श्राद्ध पक्ष में चाहे चतुर्मास के अंतर्गत श्रावण का जो महीना चल रहा है, इस श्रावण के महीने में आप जो भगवान शंकर को दो लोटे से जल चढ़ा रहे हो, दो लोटे नहीं हो घर में, दो कलश नहीं हो, तो कलश के ऊपर एक कटोरी भी रखकर लेकर दो कटोरी से आपने अगर जल समर्पित करा है, इसका एक अंश हम पहले भी कथा में कहकर आए हैं कि आप शंकर भगवान को जब जल चढ़ाते हो, शंकर भगवान को जब जल समर्पित करते हो, उसका एक अंश घर में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य के, प्रत्येक जीव के खाते में चला जाता है। सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, एक लोटा जल, ये सारी समस्या का। भगवान शिव कह रहे हैं चंचुला तुम प्रेत योनि में मत जाओ, अपने पति को प्रेत योनि से खींच कर कैलाश धाम लेकर आ जा। इसको धर्म पत्नी कहते हैं, जो पति से कह दे कि तुम गलत काम कर रहे हो, ठीक है वो अपनी जगह पर धर्म पत्नी का फर्ज है कि वो गलत काम करने वाले पति को भी धर्म का पथ निश्चित कर, धर्म का। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। चंचुला देवी ने पूछा कि मेरे पति को प्रेत योनि से छुड़ा कर आपके चरणों में लाने का तरीका क्या है, उसका तरीका है क्या? तो कहा उसका केवल एक तरीका है। भगवान शंकर कहते हैं एकाग्र चित्त होकर कोई अगर मेरा गुणगान करे, शिव कह रहे हैं चंचुला देवी, शंकर का मात्र गुणगान करने वाला, शिव महापुराण की कथा को मात्र श्रवण करने पर तेरे पति प्रेत योनि से छूट जाएगा। चंचुला देवी ठहाका लगाई, हंसी मुस्कुराई, हंसी चंचुला देवी। अब देखिए कोई व्यक्ति समझा रहा है, आपकी सास बहू को समझा रही है, और बहू सिर पर पल्लू लेकर ठाका लगाकर खूब जोर जोर से हंसे, तो ईमानदारी से बोले सास को गुस्सा नहीं आएगा? कैसी पगली है, अकल का सब बेच खाई इसने, मैं समझा रही हूं और ये ठिठोली बना रही है।
मैं इसको समझा नहीं हूं और ये मेरे ऊपर हंस रही है। सास बहू को समझाए और बहू खूब ठाका लगा लगा कर हंसे तो सास को बुरा लगता है। शंकर भगवान के सामने चंचुला देवी हंसी पर मेरे शिव जी को बुरा नहीं लगा। क्यों? शंकर भगवान कहते हैं कि ये मनुष्य का शरीर जो मिला है ना, 60 साल, 50 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 40 साल, आजकल उम्र की कोई सीमा है क्या? 100 वाले, 90 वाले तो बहुत कम मिलेंगे सर। जितने भी मिलेंगे आप कहीं पर भी सूचना पाओगे 65 का था, 70 का था, 72 का था, 80 की तो बॉर्डर कबड्डी जैसे छूके आते हैं कहीं कहीं के। 80, 85 और 90 की बॉर्डर तो कबड्डी जैसे छूके आते हैं कहीं कहीं के होते हैं जो तू करते करते वहां तक पहुंचते हैं और 80-90 की उम्र को छूके फिर आते। नहीं तो आज का जमाना तो 70 हो जाए, 80, 70-75, 70-75 और बीच में कोरोना जैसा आ गया तो फिर तो 75 भी जाने दे, 35, 40, 42, 45। और अभी भी देखो, आप देखिएगा जो कोरोना महामारी में जो बुढ़े बुढ़े लोग हैं ना, कई बुजुर्ग लोग आज भी सेफ हैं और उन्हीं के पड़ोस में रहने वाला कोई 33 साल का, कोई 40 साल का, कोई 45 साल का, कोई 50 साल का, उन्हीं के पड़ोस में रहने। और कई कई बूढ़ी बूढ़ी माताएं तो आज भी कह देती हैं, भगवान हमको उठा देता, इनको बिचारे को बचा देता। भगवान भी मन में सोच रहे डोकरी को कौन ले जाए। अरे भाई, हंसते हंसते मृत्यु भी उसकी आती है जो शंकर का उपासक होता है, भगवान का भजन करने वाला। हंसते हंसते मृत्यु भी उसी की आती है जो शिव का उपासक है। नहीं तो इंजेक्शन बॉटल और शरीर सड़ रहा है, पड़ा है। बहुओं ने 4 बार गोबर लीप के गीता जी सुना के नीचे सुला दिया, 3 बार गंगा जल भी पिला दिया, पर डोकरी फिर बोली चाय लिया तो पीते से उसका कर तो फिर उल्टे बैठे। अरे भाई, तुमको अगर बगीचे का सबसे सुंदर फूल पसंद है, तुम एक से बढ़कर एक बगीचे में गए पर फूल वही तोड़ते हो जो तुम्हें पसंद आता है। मेरा महादेव संसार में से उसी को उठाता है जो महादेव को पसंद आता है। ये शिव जो महादेव को पसंद आता है नहीं उठाएगा जब तक। तुम चाहे गीता जी सुना दो, चाहे गंगा जल पिला दो, चाहे किसी महाराज से पूछ कर कितना भी दान करा दो, हमने काहे दान कर दी। पंडित जी को बुला के गाय भी दिलवा दी, एकादशी भी छोड़ दी, पर ये नहीं छूटी। नंदी पर मेरे भोलेनाथ, मेरे शंकर नंदी पर विराजमान। और जो चंचुला देवी हंसी ना, शंकर जी प्रसन्न हो गए। सास समझाए बहू को और बहू हंसते जम के तो सास को बुरा लग जाता है। मेरे महादेव को मुस्कुराने वाले पसंद हैं, वो कभी बुरा नहीं मानता कि कौन हंसा है।
उसको मुस्कुर, इसलिए आपको कथा में कहा, आपके पास में अगर एक लोटा जल नहीं है, बेलपत्र नहीं है, आपके पास में चावल का दाना नहीं है, फूल नहीं है, तो क्या कहा था, शंकर जी के मंदिर में जाना और उसको देखकर एक स्माइल कर मुस्कुरा कर भी आ जाना, शंकर जी भी समझेंगे इतना दुख इसकी जिंदगी में है तो वो भी मुस्कुरा रही है, तो पार्वती जी भी कह देगी चिड़ा रही है, काहे का मुस्कुरा रही है, वो चिड़ा के कह रही है कि दुख तुमने दिया है तो मिटाओगे भी तुम, इसलिए मैं मुस्कुरा रही हूँ कि मेरे दुख को मिटा देना, जैसी प्रसन्न होकर मैं आई हूं तुम्हारे मंदिर में ऐसी प्रसन्न कर भेजें, ऐसी प्रसन्न। हो लिखन वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिखना, हाथों पे लिखना सेवा गुरु की, पांव पे गुरु जी का द्वार लिखना, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिखना, नैनों में लिखना दर्शन गुरु के, शिव रूपी गुरु मिल जाए तो दर्शन, होठों पे शिव जी का नाम लिखना, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिखना, इन शब्दों में मेरे गुरु शिव रूपी गुरु का नाम, शंकर का नाम, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। चंचुला देवी हंसी मुस्कुराई, ठाका लगाया, शंकर जी को पसंद आया। अब और अच्छी बात सुन लो, बहुत अच्छी बात है, श्रावण जी महापुराण में मिली है वो, तो ये दोनों जजमान थोड़े दमदार अच्छे मिले हैं ना, तो कथा का भी एक आनंद श्रावण के महीने में मिल रहा है, जरा देखिए, जरा सुनिएगा, सारे राक्षसों की कथा निकाल लो तुम आज घर पे जाकर, रावण को निकालना, जब जब राम के सामने आता था तो ठाका लगाता था, किन लगाता था, बोलो जम के सही है कि गलत है, कंस कृष्ण भगवान के सामने आता था तो ठाका लगाता था, किन लगाता था, जाने दो, पूतना तृणावर अघासुर बकासुर इनको भी, और जितने 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 तुम राक्षस निकाल सकते हो, तारकासुर भस्मासुर रावण, ये जितने जितने असुर हुए इन सब को देख लो, भस्मासुर ये सब, और भी तुम जितने सीरियल निकाल सकते हो नाटक उनमें देखना, देवी मैया रक्त बीज को मारने जा रही है, रक्त बीज हसर, महिषासुर को मारने जा रही महिषासुर हसर, एक दो बार तो माता देवी मैया को भी थोड़ा टेंशन हुआ कि मैं इसको मारने जा रही है, हंस क्यों रहा, रावण मरने जा रहा था और मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था, ठहाका लगा था, आज भी रावण जलता है ना, जब कौन से मैदान, अरे जम के तो बोलो, दस रावण मर के चले गया पर प्रॉपर्टी आज भी रह गई, रावण चला गया था पर पूरे भारत में प्रॉपर्टी आज भी रावण के नाम से है, तुम्हारे जिस नगर से तुम आए हो वहां पे आज भी मैदान का नाम, जरा जम के बोलो, दशहरा मैदान, तुम्हारे यहाँ राम जी की प्रॉपर्टी, राम जी को सिद्ध करने में सालों लग गए थे, अयोध्या मेरी है, और रावण लंका में रहने के बाद भी भारत में कह के चले गए दशहरा मैदान मेरा, तुम्हारे नगर में कोई राम मैदान है, अरे बोलो तो, कृष्ण मैदान है नहीं, पर पूरे भारत की भूमि पर हर गांव नगर शहर में एक मैदान जरूर मिले, दशहरा मैदान, इसलिए तो रावण हंसता था,
मुस्कुराता, प्रसन्न होता, आनंदित होता। तो किसी ने रावण से पूछा, क्यों रे तू तो निपट गया, फिर प्रॉपर्टी भारत में क्या कर रही थी? रावण जहां जले उसका नाम दशहरा मैदान। राम जी का आज तक कोई मैदान नहीं, के राम मैदान दशहरा। रावण से पूछा गया कि ये तेरा मैदान आज तक क्यों है? रावण बोला, ये मेरे मुस्कुराने का कमाल है। ये मैं जो मुस्कुराता था ना, उसमें मेरा भोलेनाथ कायल हो जाता था। बस इसीलिए कहते मुस्कुराने में सब कुछ छुपा हुआ, सब कुछ। अब पहले हमारी आदत थी, हम सीहोर में अगर कोई शांत भी हो जाता था तो उनके यहाँ जाते थे तो उनकी बहुएं रोती थी ना, तो वो हमको देख के चुप हो जाती थी। उनको मालूम है अगली कथा में बोल देगा। तो बहुएं चुप हो जाती थी हमको देख के, उनकी डिजाइन नहीं। तो कई बहुएं ऐसी अड़ला अड़ला के रोती थी, सांस मर जाए तो खूब अड़ला अड़ला के रोए, ऐसी रोए ऐसी रोए। तो मन में बाद में तो आता ही था कि बताओ, हमको काकी मिली थी और पहले कह रही थी कि मैंने 3 दिन से इनसे कह रही कि मेरे को गर्म चाय दे दिया करो, जब बेटों की चाय बनती है तब मुझे चाय देने आती है, तब तक चाय भी नहीं देती, और आज अल्लाह अल्लाह के रो रही है। तो बोलो याद आएगी कि नहीं आएगी? तो अब रोने से कौन सा फायदा है? इसीलिए निवेदन है, 25 लाख की गाड़ी में बैठने वाले भी एक दिन 25 रुपए के लोटे में भर के गंगा जी चले जाता था। अकड़ में तो रहना नहीं, 25 लाख की गाड़ी में बैठकर घूमने वाले भी 25 रुपए के लोटे में भरा जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है जीवन की। इसलिए चंचुला देवी ठहाका लगाकर हंसी, शंकर को पसंद आया, मेरे भोलेनाथ को प्रसन्नता। मृत्यु की घड़ी में मौत तुम्हारे सामने खड़ी है और तुम्हारे चेहरे पर स्माइल होगी ना, तो यमराज भी टेंशन में आ जाएगा कि ये हंस क्यों रही है। तुम रस्ते से निकल कर जाओ, एक क्रिटिकल छोटा सा करके देखना, तुम रस्ते से निकल कर जाओ, जाते 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 थोड़ा सा मुस्कुरा कर चले जाओ तो 4-6 दुकान वाले टेंशन में रहेंगे। बोलो सही है कि गलत? 4-6 दुकान वाले टेंशन में रहेंगे, हंसा क्यों, ये हंसा क्यों, ये हंसी क्यों, क्या काम है? मृत्यु की सैया पर प्राण छूट रहे और तुम्हारे मुस्कुराहट है, और मुस्कुराहट किस चीज की है? अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए रहो कुटुंब कबीला, अंत समय भोले आना पड़ेगा। कोई आए ना आए, अंत समय पर मेरा महादेव आए, अंत समय पर। मृत्यु की घड़ी पर अगर मुस्कुरा भी रहे हो ना आखिरी में, तो यमराज को चिंता लग जाए। और सरल समझ में, लिफाफा देने स्टेज पे चढ़े दूल्हा दुल्हन को, और उन दोनों को देख के एकदम जम के दोनों टेंशन में आ जाए। दो पत्नी पति से कहे, फिर पति भी कहे गए,
फिर धीरे से काना खुशी हो गई, ये हंसा क्यों? और फिर वो दूसरी बार आए, फिर जम के तो पूछोगे कि नहीं पूछोगे? इधर आ रहे हो बेरू, इधर इधर ये बता कि तू स्टेज पे आता है और बहुत तेज हंस के जाता है, बात और टेंशन दोनों को है, बात रसगुल्ला खाते खाते भी पत्नी उस टेंशन में पड़ी रहेगी, पति से पूछेगी तुम्हारा दोस्त इतनी तेज क्यों हंसा था, सही बता। पति पत्नी को गुलाब जामुन वो हंसा क्यों, ठाका क्यों लगाया? अंत समय में अगर चेहरे पर प्राण छूटते समय भी मुस्कुराहट होगी तो यमराज भी शंकर जी के पास जाकर पूछेगा कि इस मुस्कुराहट का कारण क्या है। शंकर जी कह देंगे ये मेरा भक्त है, मुस्कुराता रहा, इसके चेहरे पर स्माइल है, ये मुस्कुराता रहा। मृत्यु तो आना है निश्चित है, पर मौत में भी जो प्रसन्न रहे वो संत, वो साधु, वो सन्यासी, वो तपस्वी ही हो सकता है। शिवजी को टेंशन नहीं हुआ, शंकर भगवान को बड़े प्रसन्न हुए। शिवजी ने सोचा मन में इतना अच्छी बात है, आज चंचुला मुस्कुराई है, ठाका लगाकर हंसी है। चंचुला से पूछा तो क्यों हंसी है, तेरे हंसने का कारण क्या है, मुस्कुराने का कारण क्या है? चंचुला देवी कहती है मेरे मुस्कुराने का एक कारण है, आप अगर मुझे मार्ग बताते हैं कि पति के लोक नहीं जाना है तो मैं पति के लोक नहीं जाना चाहती, ये बताओ कि मेरे पति को इस कैलाश पर आपके चरणों में कैसे लाया जा सकता है। शंकर भगवान ने कहा मेरे पास लाने का सबसे सुंदर तरीका है भगवान की भक्ति में डूब जा, अर्थात जो तेरे हृदय में बैठा है, राम तुम्हारे हृदय में है तो राम की भक्ति करो, कृष्ण हृदय में बैठा है तो कृष्ण की भक्ति करो, माँ अंबिका तुम्हारे हृदय में बैठी है माता की भक्ति करो, और शंकर अगर तुम्हारे हृदय में बैठा है तो शिव की भक्ति करो। चंचुला देवी कहने लगी मैं कहाँ किसको ढूंढने जाऊंगी, बैकुंठ में भगवान विष्णु है, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा है, इंद्रलोक में इंद्र है, पर पृथ्वी पर मृत्यु लोक में तो मेरा देव अधिदेव महादेव है, तो इसी से मेरा पाला है, तो इसी का नाम क्यों नहीं जपना। संत कहते हैं तेरा तेरा दिन याद करे क्यों रे नर सुमिरन क्यों नहीं करे, कितने दिन केवल तेरा, बाकी के दिन नुकती झड़े क्यों रे नर सुमिरन क्यों नहीं करे, बाकी के समय तो खूब नुकती से गुलाब जामुन भजिया पकोड़ा आलू चना की सब्जी और रायता खूब चरे, कौन तुझे याद करे? अम्मा तो गई, बाबा तो गया, डोकरा तो गया, बुढ़ा तो गया, जीव तो गया, कौन याद करे? याद किया जाएगा जो तुमने भजन करा, जो तुमने स्मरण करा, जो तुमने दान करा, जो तुमने पुण्य करा, वो तुम्हारा तुम्हारे साथ गया। दुनिया याद रखे चाहे ना रखे, मेरा देव अधिदेव महादेव जरूर याद रखेगा कि तूने कीर्तन किया, तूने मंत्र जाप किया, तूने स्मरण किया। चंचुला कह रही है भोले बाबा शंभुनाथ हे त्रिकालदर्शी है कैलाशी हे अविनाशी, आप हो मेरे पति के धाम में, अब मुझे नहीं जाना,
मुझे पति लोक में नहीं जाना, क्योंकि मेरा पति तो प्रेत योनि में पड़ा हुआ है। उस योनि से मुझे मुक्त करा कर लाना। उस योनि श्रावण के महीने की पंचमी कौन सी तिथि? पंचमी। चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो, चाहे वो कृष्ण पक्ष की। श्रावण महीने की पंचमी के दिन शंकर भगवान पर जिस जिस परिवार के व्यक्ति का कांवड़ जल, कांवड़ जल हमने बताया है आपको, जरूरी नहीं है कि डंडा बांधकर दो कांवड़ के जल के लोटे लेकर जाओ, आप अपने हाथ में भी दो पात्र लेकर जा सकते हैं। पंचमी तिथि के दिन हाथ में दो लोटे जल के, दो कलश जल के जब हम शंकर भगवान को चढ़ाते हैं, तो ऊपर जो कमंडल होता है शिव जी के ऊपर जलधारी होती है, जिसमें जया विषहरा शामली बारी दौतली और देव शंकर भगवान की पांच बेटियां जिसमें विराजमान होती हैं, जब हम जल समर्पित करते हैं, हमारे पीढ़ी में परिवार में अगर कोई अधोगति में मर गया होता है, कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, गर्भ में मर गया होता है, गर्भ के बाहर निकल कर भी अगर कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, तो श्रावण महीने की दोनों पंचमी पर परिवार का अगर कोई एक व्यक्ति भी जल चढ़ा देता है शंकर भगवान पर, तो सर्प की योनि में नहीं पड़ता, जीव मुक्त हो जाता है, प्रेत योनि में सर्प की योनि से मुक्त हो जाता है। महाराज हमारे यहाँ सांपों की पूजन कौन से दिन होती है, कौन सी तिथि में करते हैं, जम के बोलो जरा। नाग पंचमी। नाग पंचमी का मतलब क्या है? सांपों की पूजन करो। नाग पंचमी का मतलब होता है शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित कर दो। उसका कारण क्या है कि हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में कोई साथ, कुटुंब में परिवार में कोई सात पीढ़ी के अंतर्गत भी अगर कोई जीव तड़प रहा होता है, पड़ा हुआ होता है, उसकी मुक्ति नहीं होती है, तो पंचमी का चढ़ा हुआ जल उस जीव को प्राप्त हो जाता है और वो जीव तर जाता है, उसका फिर जन्म नहीं होता, वो तर। इसको मुक्तता का इसको मोक्ष का कहता। ये मोक्ष इसी से कहेंगे कि ये मुक्तता। महाराज चढ़ाते हो आप लोग पंचमी के दिन, चाहे नाग पंचमी हो, चाहे श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की, चाहे कृष्ण पक्ष की पंचमी हो, शिवजी पर जल चढ़ाया गया। और समझ लो अच्छे से, श्रावण महीने की पंचमी के दिन देव अधिदेव महादेव पर चढ़ाई गई शमी पत्र शंकर भगवान पर चढ़ाई गई शमी पत्र आस्तिक मुनि का नाम लेकर, कौन से मुनि? आस्तिक मुनि का नाम लेकर शमी पत्र को वापिस उठाकर उसको अपने दरवाजे की चौखट पर कहीं पर भी या द्वार पर कहीं पर भी एक ओर रख देने पर घर के अंदर, बगीचे के अंदर सर्प प्रवेश नहीं करता।
ध्यान रखिए। सर्प प्रवेश नहीं करेगा, शमी पत्र समर्पित करने पे, उस शमी पत्र को आस्तिक मुनि का स्मरण करने पे, कौन से मुनि है, आस्तिक मुनि का स्मरण करने पर भीतर घर के अंदर बगीचे में सर्प भी प्रवेश नहीं। उस शमी पत्र में जया, विषहरा, शामली वारी, दौतली और देव, ये पांचों कन्याओं का भाव प्रकट हो जाता है और वो कन्याएं हमारे घर के द्वार की रक्षा करती है। तुम्हारे घर की बहन बेटी क्या करती है, तुम्हारे घर की बहन बेटियां क्या करती हैं? घर में बहन बेटी आती हैं तो बद्दुआ देकर नहीं जाती, घर में कन्याएं रहती हैं बद्दुआ नहीं देती। घर की बेटियां जब दरवाजा छोड़कर शादी कर वाले दिन, विदाई के दिन अगर जाती भी हैं तो बेटियां हाथ में धान भरकर फेंक कर जाती हैं कि मेरा मायका खूब फले फूले, आगे बढ़े, छापे लगाकर चली जाती हैं कि हमने हमारी जीवन की सारी दौलत, जीवन का सारा सुख अपने मायके में दे दिया है। वो बेटियां तो जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, ये उस घर में निवास करती हैं जिससे ये घर में हम रक्षा कर सकते, रक्षा कर सकते। श्रावण शिव महापुराण की कथा में, कल की कथा में एक वर्णन आएगा, उसको ध्यान से सुनिए। उदर पेट सारी बीमारियों का केंद्र बिंदु है, सारी बीमारियों का केंद्र बिंदु हमारा उदर। कहीं इसमें तकलीफ होती है, एसिडिटी बन जाती है, कोई बड़ी बड़ी बीमारियां इसी के माध्यम से, पेट के माध्यम, तो उसके लिए कल की कथा में श्रावण के महीने का बड़ा सुंदर भाव प्रकट होगा कि हमारे उदर से जुड़े हुए प्रॉब्लम, केवल एक तिथि और एक ही दिन शंकर भगवान पर जल चढ़ाकर उस जल का तीन बार आचमन करने पर ही उदर की बीमारी मिट जाती है। वो श्रावण के महीने का बड़ा सुंदर कथा है, उसको अपन श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे। वो श्रावण शिव कथा कर चंचुला जी ठाका लगाकर हंसी, शिव जी ने समझाया, चंचुला देवी को बताया, चंचुला देवी ने शंकर जी से उसका कारण पूछा, बिंदु के मोक्ष के लिए क्या करा जाए, शिव जी ने कथा रस तत्व का वर्णन करा, शंकर और पार्वती दोनों ईश्वर जी और गोरा जी बनकर आ रहे हैं, भगवान शंकर पार्वती कथा सुनने जा रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें ईश्वर जी और गोरा जी का, बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय, जोरदार ताली बजाएं ईश्वर जी और गोरा जी के लिए। यजमान परिवार दोनों पधारें और ईश्वर जी और गोरा जी का पूजन करें, हमारे यजमान परिवार दोनों पधारें। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय, हर हर महादेव। श्रावण शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर धाम के पावन प्रांगण से चल रही है, ये ऑनलाइन कथा है, इसको अपने घर में बैठकर श्रवण करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। श्रवण करते हुए आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर कथा का प्रसारण हो रहा है 1 बजे से 4 बजे तक। जीवन की सार्थकता को ग्रहण करें, बाबा देवाधिदेव महादेव का स्मरण करें और शिव मंदिर में जाकर 2 लोटा जल, 2 कलश का जल अवश्य समर्पित करें।